आपों का स्वागत है आपके अपनी YouTube चैनल टॉपरसेंट पर तो यूपी स्कॉलरशिप को लेकर के जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि ऑफिशियल नोटिस जारी हुई थी और उस ऑफिशियल नोटिस में यह बताया गया था कि जिन छात्रों का फॉर्म वेरीफाई हो चुका है उन लोगों की स्कॉलरशिप 25 तारीख से आना शुरू हो जाएगी ये स्कॉलरशिप आप लोगों की पच्चीस तारीख से लेकर के इकतीस तारीख के बीच में तकरीबन एक हफ्ता जो है स्कॉलरशिप आएगा ऐसे में बहुत सारे छात्र थे जो यही कह रहे थे सर हमें पी पर जो स्टेटस चेक करना नहीं आता है स्कॉलरशिप का स्टेटस कैसे चेक करें तो आज की वीडियो में आप सभी लोगों को हम बता देंगे बाकी जिन छात्रों का फॉर्म वेरीफाई हो गया आप लोगों को परेशान बिल्कुल

चलिए गाइस तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले हम आप सभी लोगों को बता दें कि जो भी छात्र एस एस सी सीजीएल टायर वन और आरआरबीसी सीबीटी टू की तैयारी कर रहे हैं उन सभी लोगों के लिए ऑली बोर्ड लेकर आया है बिल्कुल फ्री ऑल इंडिया लाइव मॉक टेस्ट अगर सभी लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दी गई है आप जाइए बिल्कुल फ्री मॉक टेस्ट है जो कि छब्बीस से सत्ताईस मार्च तक ये चलेगा आप लोग इसको अटेम्प करिए अटेम्प करने पर आपको ये पता लगेगा कि आपको ऑल इंडिया में आपकी रैंक क्या है एनालिसिस आप कर पाएंगे तो लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया तो चाहे सीजीएल की तैयारी कर रहे हो चाहे एन 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 की तैयारी कर रहे हो तुरंत जाकर उस मॉक टेस्ट को जरूर लेंगे

चलिए गाइस तो हम आपको दिखा देते हैं कि किस तरीके से आप पीएफएमएस पर अपना जो है स्कॉलरशिप का स्टेटस चेक कर सकते हैं तो सबसे पहले तो आपको अपना गूगल क्रोम या जो भी ब्राउजर आप यूज करते हैं उसको आप ओपन कर लेना है और इसमें आपको टाइप करना है पीएफएमएस सिर्फ यही चार वर्ड आपको टाइप करने हैं और आपको सर्च पर क्लिक कर देना है सर्च पर जब आप क्लिक करेंगे कुछ इस प्रकार का इंटरफेस ओपन होगा यहाँ पर सबसे टॉप पर ही पीएफएमएस लिखा है इस पर आपको क्लिक कर देना बिल्कुल बेसिक है कुछ भी इसमें बहुत बड़ा नहीं करना है बहुत सारे छात्र जो है इसको ऑलरेडी जो है चेक भी कर लेते हैं लेकिन बहुत सारे छात्र ऐसे जो नहीं चेक कर पाते तो उन सभी लोगों के लिए जो है एक ज्यादा इंपॉर्टेंट है आप यहां पर नीचे आ जाइए और नीचे आने के बाद में आपको यहां पर कई सारे जो है ऑप्शन दिख जाएंगे जिसमें आपको नो योर पेमेंट पर क्लिक कर देना उस पर जब आप क्लिक करेंगे तो यहां पर आपको कई सारी चीजें देखने को मिल जाएंगी जैसे कि आप यहां पर अपना बैंक का नाम जो भी आपका जैसे मान लीजिए आपका इंडियन बैंक है या कोई भी बैंक है मैंने मान लो इंडियन बैंक का आई एन डी आई ए एन कुछ भी जैसे ही आप यहां पर टाइप करोगे अपने बैंक का कुछ वर्ड तो यहां पर बहुत सारे जो हैं बैंक के नाम आ जाएंगे तो मैंने इंडियन बैंक यहां पर क्लिक कर दिया है अब आप अपना यहां पर अकाउंट नंबर डाल दीजिएगा और वही अकाउंट नंबर आप नीचे डाल दीजिए दो बार अकाउंट नंबर आपका मांगेगा यहां पर आपको है जिसको आप कैप्चा बोलते हो आप वेरीफिकेशन डाल देना है फिर आपको सेंड ओटीपी जो है अनरजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर आपको क्लिक कर देना है जैसे ही आप क्लिक करोगे आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर यानी जो बैंक अकाउंट में आपका मोबाइल नंबर रजिस्टर है उस पर एक ओटीपी जाएगा और उस ओटीपी को यहां पर जब देंगे, तो आप लोगों का जो है ओपन होकर आ जाएगा आपका ठीक है अगर आपका स्कॉलरशिप का कुछ भी आ गए हैं भी -भी है। तो, no है, तो उसके लिए परेशान नहीं होगा इसी तरीके से आप चेक कर सकते हैं ठीक है तो लिंक आप इसको पर कर तो मिलते हैं अगली वीडियो में किसी खास अपडेट के साथ जो अपडेट मिलेगी वो सारी चीजें बताई जाएंगी तो अगर आप चैनल पर नए सब्सक्राइब करें मिलते हैं अगली वीडियो में जय हिंद जय भारत